हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सारे पेपर तैयार कर लेते तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, क्रैश कोर्स का 9th वीडियो है और दोस्तों ये रेलवे एनटीपीसी 31 मार्च 2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, यानी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों, वह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। दोस्तों, इस संगठन की जो स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक सम्मेलन यानी 1948 जेनेवा में अंतर सरकारी सामुद्रिक परामर्शी संगठन यानी IMCO के रूप में की गई थी और मई 1982 में संगठन को वर्तमान नाम दिया गया। इसके फुल फॉर्म में दोस्तों इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किसके द्वारा की जानी निश्चित हुआ था? तो दोस्तों, वह है रूस। दोस्तों, 2018 के फीफा विश्व कप यानी फीफा विश्व कप का 11वां संस्करण 14 जून 2018 से 15 जुलाई 2018 के बीच रूस में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष पादकंदुक प्रतियोगिता थी और रूस जो है इस प्रतियोगिता के प्रथम बार यजमान थे। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, वह है तमिलनाडु में। दोस्तों, कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडलकुलम में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये परमाणु जो है दोस्तों ऊर्जा संयंत्र 6000 मेगावाट बिजली की क्षमता वाले 6 रिएक्टरों का एक समूह है और इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को रूसी राज्य कंपनी और भारतीय NPCIL के सहयोग से बनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों हैचलिंग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों, वह है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, चाय बोर्ड के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय दुनिया की सबसे महंगी और खुशबूदार चाय मानी जाती है और यहाँ पर लगभग 86 बागान हैं। इसके अलावा जहाँ चाय तैयार की जाती है, क्या है वह? पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और CM है यहाँ के ममता बनर्जी। इसके अलावा वर्तमान जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। दोस्तों, कोलकाता जो है यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक डैस का नियामक प्राधिकरण है? तो दोस्तों, वह है बैंकों का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो दोस्तों, वह थे युवराज सिंह। ठीक है दोस्तों, आज से 12 साल पहले जब साउथ अफ्रीका में पहला वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा था, तब युवराज सिंह ने इंग्लैंड की फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड की ऐसी धुनाई की थी जो आज भी इतिहास है और यूवी ने दोस्तों ब्रॉड को एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के बनाकर T20 में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, वह है HTML के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वेब पेज जो है इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसे वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़ा जाता है और प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट
वेब पता होता है, जिसके जरिए इसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। और वेब पेज में दोस्तों साधारण टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, हाइपरलिंक्स और अन्य सामग्री समाहित होती है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों वह किया गया था 2008 में। दोस्तों इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपने पहले चांद मिशन के तहत चंद्रयान वन को लॉन्च किया था और इसे PSLV XL रॉकेट के ज़रिए प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों इसके तहत एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद की ओर भेजे गए थे। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वह है द्रव्यमान। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों वह मनाया गया था 31 अक्टूबर को। दोस्तों भारत में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वह था पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हरित राजमार्ग नीति 2015 जारी की और हरित राजमार्ग नीति का उद्देश्य जो है समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थानों की भागीदारी से राजमार्ग गलियारे की हरियाली को बढ़ाना था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों वह है पर्णपाती वन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो दोस्तों वह है इंटेलसेट। दोस्तों मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन यानी ITSO या इंटेलसेट के रूप में गठित यह जो है दोस्तों 1964 से लेकर 2001 तक, ठीक है, एक तक था और एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संघ जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवाओं को प्रदान करने वाले संचार उपग्रहों के नक्षत्र का मालिकाना और प्रबंधन करता था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो दोस्तों वह किया गया था 1982 में। दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है 1951 में नई दिल्ली भारत में किया गया था, जिसने 1982 में पुनः इन खेलों की मेज़बानी की थी। और अब तक कुल दोस्तों 17 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है और 18वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबाग में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के बीच किया गया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो दोस्तों वह है मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में है, भारत में स्थित क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान। और यह अभयारण्य दोस्तों यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल और बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र और एक क्या है आरक्षित जीव मंडल है। इसके अलावा दोस्तों हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो वह थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। दोस्तों बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था और एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों बंगाल विभाजन को जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और इतिहास में इसे दोस्तों भंग मंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भंग भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है, देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों सामान्यतः जो है राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, परंतु वह इस अवधि से पूर्व की राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो दोस्तों वह है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बने होते हैं? तो दोस्तों वह बनते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो दोस्तों वह है प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। दोस्तों इंद्रधनुष जो है पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन और फैलाव यानी डिस्पर्शन के कारण बनने वाला एक संयोजन यानी कॉम्बिनेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में जो है प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम यानी रंगावली दिखाई पड़ता है और अंततः दोस्तों क्या होता है, यह बहुरंगी गोलाकार चाप यानी आर्क का रूप ले लेता है और सूरज की रोशनी से होने वाली रेनबो आकाश में हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों उनका नाम था सुचेता कृपलानी। दोस्तों इन्होंने जो है 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वह भारत की दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? बताइए। तो दोस्तों वह है गुर्दे की खराबी। दोस्तों अपोहन यानी डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है और इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते और गुर्दे से दोस्तों जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी जो स्थितियां होती हैं उसमें कई बार दोस्तों डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों उनका नाम है कश्यप पारुपल्ली। दोस्तों भारत ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित हुए और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में एक प्रतिभागी राष्ट्र था। ठीक है दोस्तों, पारुपल्ली कश्यप ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा में 32 साल बाद जो है क्या जीता था, स्वर्ण पदक। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों उनका नाम है अमर्त्य सेन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? तो दोस्तों वह है PMFBY। ठीक है दोस्तों, PMFBY योजना जो है वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियर फील्ड कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? तो दोस्तों वह है कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। दोस्तों नियर फील्ड कम्युनिकेशन को NFC भी कहा जाता है और यह एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जिसमें दो डिवाइस जिनमें यह सर्किट लगा हो उनमें संबंध बनाना या शॉर्ट रेंज आदर्श रूप से 4 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर में रेडियो वेव्स द्वारा डाटा एक्सचेंज के लिए संपर्क बनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे गोपाल कृष्ण गोखले
महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे और उन्होंने दोस्तों गांधी जी को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी और वो राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? तो दोस्तों वह था एबटाबाद पाकिस्तान। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों 2 मई 2011 को मृत्यु हुई थी ओसामा बिन लादेन की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस स्थिति को जो है हाइपरपायरेक्सिया के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है वॉइस बॉक्स। दोस्तों वाक यंत्र या स्वर यंत्र श्वसन तंत्र का एक भाग है जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाक तंतु अंतर्विष्ट होता है और यह ग्रासवी और श्वास नली के मध्य स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों वह होता है रेफ्रिजरेटर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नो स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से टेस का गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो दोस्तों वह है कृष्ण वीवर। ओके, तो दोस्तों ये थे क्रैश कोर्स में जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रेडियो ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।